ओके, गैलेक्सीज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टेलेशंस। वो क्या है? कॉन्स्टेलेशंस। हमको समझना है ये कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी, अगर आप लोग आसमान की तरफ रात में देखते हो या कभी अगर आप लोग छत पे गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टार्स हैं वो क्या हैं, किसी फिक्स पैटर्न में हैं और कोई शेप बना रहे हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? वेन अ ग्रुप ऑफ स्टार मेक्स अ शेप इन अ फिक्स पैटर्न, वो सब क्या है? वो कॉन्स्टेलेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशंस। जैसे एक सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है अरसा मेजर। सो आई थिंक अरसा मेजर जो है वो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है, और अरसा मेजर ऑल्सो नोन एज व्हाट? सप्तऋषि। इसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि ये सात ऋषि हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो स्टार बन जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकली। तो सप्तऋषि हम लोग बोलते हैं कि ये सात, सेवन सेजिस, सात ऋषि थे, और ये क्या बन गए? स्टार बन गए। और ये सब क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते हैं स्टार के, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार। क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार। इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पोल स्टार। ओके, सो कॉन्स्टेलेशंस क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई इन अ फिक्स पैटर्न। तो वो क्या कर रहे हैं? फिक्स पैटर्न में मिलकर कोई एक ऐसी शेप बना रहे हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। तो एक फेमस कॉन्स्टेलेशन अरसा मेजर, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, सेवन सेजिस, और वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं एक स्टार की। दे रिवॉल्व अराउंड अ स्टार नोन एज व्हाट? नॉर्थ पोल। ओके, या फिर सॉरी, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार। अब देखो, आप लोग कभी अगर छत पे गए होंगे या आप लोगों ने किसी भी मैदान से अगर देखा होगा ऊपर स्काई की तरफ, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक पैटर्न बनता है ऐसा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे स्पून की तरह है, और अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो आपको एक बिग स्पून जैसा दिखाई देगा, बिग स्पून। देन यू सी व्हाट? यू विल सी अ बिग स्पून इन द स्काई, दैट इज नोन एज व्हाट? अरसा मेजर। ओके, सप्तऋषि इन्हीं को बोलते हैं। अब इनकी खास बात ये है कि अगर इस, ये जो स्पून वाला पार्ट है, इस स्पून वाले पार्ट के ऊपर आप लोग देखोगे तो आपको एक स्टार दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं पोल स्टार। खास बात ये है कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये अर्थ के एक्सिस पे इस तरीके से लाई कर रहा है, अर्थ की एक्सिस की सीध में, कि जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है तो, और तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ओके, जो अर्थ है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते समय इस तरीके से लाई है अपनी अर्थ की एक्सिस के ऊपर स्काई में, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, हमेशा कहाँ पर रहता है? हमेशा ये नॉर्थ की तरफ ही रहता है। तो इन द एंशियंट टाइम्स में जब सेलर वगैरह सेल करते थे, या फिर पहले डिवाइसेस नहीं होते थे, मॉडर्न डिवाइसेस अभी आए हैं लाइक कंपास या, और पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, तो जो सेलर्स लोग थे वो इसी कॉन्स्टेलेशन से क्या फाइंड करते थे? डायरेक्शन फाइंड करते थे। वो अरसा मेजर को देखते थे कि अरसा मेजर कहाँ है, सप्तऋषि। उसके बाद देखते थे स्पून का बीच वाला पार्ट कहाँ है, इसके ऊपर कहाँ है, फिर वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन निकालते थे। नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाता था तो बाकी सारी डायरेक्शन वो लोग निकाल लेते थे, साउथ ईस्ट वेस्ट, और जहाँ उनको जाना था जा सकते थे। ओके, तो ये कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्स्टेलेशंस क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ फिक्स पैटर्न। ओके,
दे आर नोन एज वॉट कॉन्स्टेलेशंस. और भी कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, अरसा मेजर की तरह एक अरसा माइनर होता है, लियो होता है, स्कॉर्पियन होता है, टॉरस होता है, तो कई सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं, ये अकेला नहीं है.